Good morning students. Today I will teach you chapter 7, Getting to Know Plants. All of you please take out your NCERT book and open page number 52. Let's start. Introduction. We see many things around us like plants, animals, insects, etc. There are many types of plants which we see around us. Some plants are small, some are very big, while some are just patches of green on the soil. Some have green leaves while some others have reddish ones. Some have small blue ones while some have none. For it means that हम लोग अपने आस पास बहुत सारी चीजें देखते हैं जैसे कि plants, animals, insects, etc. और बहुत सारे types के plants भी होते हैं जिनको हम लोग अपने आस पास देखते हैं, जिसमें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि छोटे जिनका साइज छोटा होता है, कुछ बहुत बड़े साइज के होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे बिल्कुल बहुत ही छोटे से होते हैं जिनके सिर्फ ग्रीन पैचेस सॉइल पर दिखते हैं, और कुछ प्लांट्स के पास ग्रीन लीव्स होती हैं, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स रेडिश होती हैं, और कुछ प्लांट्स तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास ब्लू कलर की होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके पास लीव्स भी नहीं होती है, जैसे कि कैक्टस. कैक्टस के पास लीव्स नहीं होती है, उनके पास थॉर्न्स होते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट्स. देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स: हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. नाउ हर्ब्स जनरली रिफर्स टू द लीफी ग्रीन और फ्लावरिंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, either fresh or dried. Wild species are usually dried and produced from other parts of the plant, include seeds, bark, roots and fruits, for example bay leaf, basil, black cumin, etc. It means that wo plants jo green or tender stems ke sath hote hain, jinki जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं, उन प्लांट्स को हम हर्ब्स कहते हैं, जैसे बे लीफ, बेसिल और ब्लैक क्यूमिन. देन श्रब्स. अ श्रब इज डिफाइंड एज अ वुडी प्लांट विच इज स्मॉलर देन अ ट्री एंड जनरली हैज अ राउंडेड शेप. द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट अ श्रब हैज सेवरल मेन स्टेम्स ग्रोइंग फ्रॉम ground level rather than one trunk. For example, hibiscus, hummingbird bush, night blooming jasmine, etc. It means that wo plants जो अपनी branches को जो है develop करते हैं base stem के पास, और जिनकी stem hard तो होती है but बहुत मोटी नहीं होती है, they are not very thick, उन plants को हम shrubs कहते हैं. ये जो जो है श्रब्स होते हैं इनका शेप जनरली राउंड होता है, ये बहुत ना ही बहुत छोटे होते हैं और ना ही बहुत बड़े होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड श्रब्स. फॉर एग्जांपल हिबिस्कस, ह्यूमिंग बुश, बर्ड बुश एंड नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन. नाउ ट्रीज. Trees are all plants that carry out the life processes that all plants share. Trees may be cone-bearing plants, that is within bracket, gymnosperms, flowering plants, angiosperms or ferns. In other words, a tree is a tall plant with a trunk and branches made of wood. For example, banyan tree, mango tree, peepal tree, etc. This means that trees wo plants hote hain jo ki life processes ko carry out karte hain, aur ye basically cone bear, inka shape cone bearing bhi ho sakta hai, flowering plants bhi hote hain ye, aur सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो ये ट्री जो ट्री होते हैं ये एक टॉल प्लांट होते हैं जिनकी एक ह्यूज जिनकी एक थिक ट्रंक होती है और वुड होती है इसमें. नाउ दिस द स्टेम्स हैव जो इसकी स्टेम्स होती हैं उसकी ब्रांचेस जो है अपर ट्री के अपर पार्ट में होती है.
ट्रीज ट्रीज आर ऑल प्लांट्स दैट कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस दैट ऑल प्लांट्स शेयर. ट्रीज मे बी कोन बियरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स और फर्न्स. इन अदर वर्ड्स अ ट्री इज अ टॉल प्लांट विद अ ट्रंक एंड ब्रांचेस मेड ऑफ वुड. फॉर एग्जाम्पल बनियन ट्री, मैंगो ट्री, पीपल ट्री एक्सेट्रा. इट मीन्स दैट ट्री जो होते हैं ये वो प्लांट्स होते हैं जो बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं. इनका शेप कोन बियरिंग प्लांट्स की तरह होता है या फिर ये एक फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं. बिकॉज दे सम ट्रीज गिव्स फ्लावर्स, सम ट्रीज गिव्स फ्रूट्स. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स. नाउ जो इनकी जो ब्रांचेस होती हैं दे आर मच अबव फ्रॉम द ग्राउंड. मीन्स ब्रांचेस इनकी ट्री के अपर पार्ट में होती हैं, ग्राउंड से काफी ऊपर. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. देयर आर वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सच एज रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर. वी विल डिस्कस दीज पार्ट्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास. नाउ थैंक यू एवरीवन. And your homework is read chapter 7 parts, getting to know plants. Thank you everyone. Your homework is read chapter 7 getting to know plants. Now we will discuss the activities in the live session.